भाई। आपको किस केस में लेके जा रहे हैं भाई? आप आ जाएं, हम ठीक हैं भाई, आप आ जाएं। मैं किधर जबरदस्ती आ जाऊं मैं? इमरान भाई किस केस में लेके जा रहे हैं? इमरान भाई किस केस में डाल रहे हैं? मैंने कोई दहशतगर्दी की है शायद। मैं उस दिन अपनी ड्यूटी कर रहा था और मैं रिपोर्टिंग कर रहा था जब कोई वकुआ हुआ था और कोई दंगा हुआ था पुलिस का और लोगों का। ये बात है मार्च 2023 की और आज इनको याद आया कि ये बंदा मतलूब है। और मैं उस वक्त बोल टीवी में काम करता था, मैंने उस दिन बोल टीवी पे प्रोग्राम भी किया था और मेरे साथ मैं अकेला नहीं था, दर्जनों सहाफ़ी थे, हम सारे गए थे और हमने जाके कवरेज की। क्या हाल भैया करिए से आप ठीक है? दर्जनों सहाफ़ी थे जो हम लोग गए थे उस कवरेज के लिए और उनमें से एक मुझे चुना गया और चुन के मुझे दहशतगर्दी के केस में अब डाला गया। ये सूरत हाल है इमरान भाई, आज मुतवक्का ये है कि अंदर जैसे असद मंजूर भट्ट साहब भी आए हैं आपके लिए, सदर हाई कोर्ट बाहर हैं और मियां अली शफाक साहब भी लगे हुए हैं और अजहर सिद्दीक साहब भी लगे हुए हैं, आज मुतवक्को ये था कि आपकी जमानत अल्हम्दुलिल्लाह इधर से हो जानी है, तो क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ आपको ये भोंडे तरीके इनके हथकंडे हैं कि एक केस से निकाल के अब दूसरे केस में इन्होंने जानबूझ के डाला है, चूंकि मुतवक्को है कि आपकी जमानत? देखें यार, शहजादी की हुकूमत आई है तो अब कुछ ना कुछ तो होगा ना, ऐसा तो हुकूमत चलानी भी है, शहजादी को कुछ भी करना है तो करें कुछ। अल्लाह खैर करेगा। है कि भट्ट साहब को मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा सर, सर सर और उन्हें कहिए उन्हें बहुत मुबारक हो, वो इलेक्शन जीते हैं, बल्कि बाकी जो मेंबर जीते हैं उन सबको भी मुबारकबाद। चलो कहीं तो पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है तो उनको मुबारकबाद दीजिएगा। पूरे पाकिस्तान में भी काश ऐसे ही इलेक्शन हो जाए जैसे वकला अपने इलेक्शन करवाते हैं या जैसे हम सहाफ़ी अपने इलेक्शन करवाते हैं, नीट एंड क्लीन, जो जीतता है वही आता है सामने। अलग रहे ऐसा हो जाए। हाँ जी, ईवीएम के जरिए। हाँ जी सर, गुड। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता है पाकिस्तान में। इमरान भाई आपके साथ खड़े हैं। ना कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़ा है, ना कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत से ताकतवर है और ना कोई उसके कानून को और उसके होने को चैलेंज कर सकता है। और मैंने ये बार बार देखा अपनी जिंदगी में, ये एक दफा की कहानी नहीं है, वो मालिक बहुत बड़ा है, बड़ा बेनियाज़ है। इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, पहले सही केस में बरी हुए अभी बरी होंगे इंशाल्लाह। क्यों नहीं बीमार होते? हाँ जी, आप लोग क्यों नहीं, आप लोगों को क्यों नहीं बीमारियां होती है और लोगों की तरह से? अल्लाह दे खैर मांगे यार, मेरी मेरी बीमारियों की दुआएं कर रहे हो भाई, अल्लाह दे खैर मांगो। जर्नलिस्ट को क्या कहेंगे साहब, इलाज करा रहे उनका ये मतलब है। नाल कौन है? अच्छा इमरान भाई, अल्लाह खैर करेगा। कोई आपको मैसेज दिया गया कि आप